हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिसी पेपर बाय केएस में। तो मैं कोमल बर्णवाल एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उस पर एक डिमांड आया था। मैंने जो मैं बार बार बोलती हूँ कि पेंसिल को शार्प छीले, लंबा छीले, नोखीला छीले, तो मुझे कमेंट में आया था कि मैम आप ये पेंसिल कैसे छीलती हैं, मुझे एक वीडियो के थ्रू बताएं। तो आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने पेंसिल को शार्प कैसे छीले, एकदम पतला लंबा स्क्रैपर से वो कैसे छीले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ पेंसिल्स मेरे सामने हैं जिसे मैंने बिल्कुल भी एकदम शार्प नोखीला एकदम लंबा छील रखा है, आप देख सकते हो। तो मैं आज यही बताऊँगी कि आपको अपने पेंसिल्स कैसे छीलने हैं। और मेरे पास दो ऐसे पेंसिल है जिसे मैंने बिल्कुल छीला नहीं है स्क्रैपर से, तो आज मैं ये छिल के बताऊंगी स्क्रैपर से कि आपको ये कैसे छिलना है लंबा और शार्प, जो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके स्टिल लाइफ ड्राइंग के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ पेंसिल छिल रखे हैं ऑलरेडी, और एक पेंसिल है जो मैंने नहीं छिले है। तो आज मैं आपको इसे शार्प करके छिल के बताऊंगी स्क्रैपर के थ्रू कि कैसे छिले जाते हैं। मैं थोड़ा आपको सामने से भी दिखा दूँ कि मैंने कितने शार्प और कितना नोखीला छिला है, जो स्टिल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा शार्प होना। या आप ड्राइंग कर रहे हो, आप पोर्ट्रेट भी बना रहे हो, तो ये आप ऐसा शार्प छिलना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी वीडियोस आप देखे होगे या फिर किसी से पूछोगे तो भी आपको रिकमेंड करेंगे कि पेंसिल ऐसे ही छिलनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो और आपको बताती हूँ कि पेंसिल छिलना कैसे है, शार्प कैसे करना है। तो आप अच्छे से स्क्रैपर पहले ये खोल लें इसकी पत्ती, एंड पेंसिल को ऐसे पकड़ें और यूँ इसको यहाँ पे रखें। आप पेंसिल को ऐसे अभी मत रखिएगा ताकि फिंगर कटने का डर रहता, तो आप पेंसिल को ऐसे रखें और ऐसे मारें, ठीक है। ये छिलका हट के हर तरह से इसको साथ साथ ऐसे घुमाते रहें ताकि हर ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह मार दिया, एक ही साइड से कर दिया, नहीं। आप मेरा हाथ देखना, साथ साथ मेरे हाथ से पेंसिल भी घूम रही होगी। देख सकते हो आप, ये अभी नोखीला हुआ नहीं है, मैंने बस इसका जो ऊपर का पार्ट है वो हटाया है। तो आप इसको फिलहाल ऐसे मैंने हटा लिया। आपको भी करते करते इतनी स्पीड आ जाएगी छिलने के थ्रू। आप देख सकते हो कि ये अभी शार्प नहीं हुआ, ये तो मैंने छिल दिया, अब इसको शार्प करना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रख के करें, ऐसे ना करें उंगली कट जाएगी, ऐसे करें तो ब्लेड ऊपर ऊपर चला जाएगा। और पेंसिल को यहाँ ये नोक को यहाँ इसलिए रख रहे क्योंकि यूजली अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसे पतला कर सकते हैं इसका धार, लेकिन क्या होता है कि ऐसे करने से कितनी बार ये चीज़ें टूट जाती है। तुमने तो प्रैक्टिस है ऐसे छिलने की। अगर अभी आप स्टार्टिंग में, अगर कोई ऐसा पर्सन जो स्टार्टिंग में ऐसे छिल रहा हो, तो थोड़ा सा आप ऊपर करके ही छिले क्योंकि डर है उंगली कटने का। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग में ऐसे छिले, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे छिलना ताकि ये नेल टूटे ना। मैं तो ऐसे ही छिल रही हूँ, आप देख। अब इसको मैं फटाफट इसको भी घुमाना है साथ साथ तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो मैं ग्रेफाइट का बात करी थी कि आप ग्रेफाइट कैसे निकालोगे, जो एकदम से चूरा था, तो यही जो ग्रेफाइट है एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं ऐसे छिल के, जो ग्रेफाइट निकल रहा है इसके, ये बहुत बारीकी ग्रेफाइट होता है, ठीक है। यही ग्रेफाइट आप इस शार्पनर से भी ऐसे छिल के ग्रेफाइट निकाल सकते हो, और यही ग्रेफाइट आप अपने स्टिल लाइफ के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी नॉर्मल आप मिक्स काम कर रहे हैं तो मर्ज वाला काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं। गाइज आप देख रहे हो मेरा पेंसिल ऑलमोस्ट साफ छिल चुका है। आपको ऐसे ही फिर इसकी जो नेल है, जो इसका ग्रेफाइट है, इसको थोड़ा संभाल के कीजिएगा, जल्दी टूट जाएगा अगर आप एकदम से स्पीड में या फिर किए तो।
थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा। देख रहे हो ऐसे करना है और ये ऊपर चला जाएगा। मैं ऐसे ही कर रही हूँ लाइक दिस। और ऐसे करने से एक प्रॉब्लम है कि जो यहाँ का जो पतला जो नोखीला होता है वो टूटने का डर रहता है, क्योंकि मैंने बहुत बार छीला है तो टूट जाता है। पहले मुझे भी नहीं आता था, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बच के ऐसे ही छिलती थी, लेकिन अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं ऐसे छिल लेती हूँ। तो आई होप आपको टेक्निक समझ में आई होगी कि आपको पेंसिल छिलनी कैसे है। तो देख सकते हैं आप कि मेरी पेंसिल की नोक एकदम लंबी और एकदम शार्प छील चुकी है, बिल्कुल जो मैं यहाँ पे रखी हूँ बिल्कुल वैसी। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आया होगा कि आपको शार्पनर से पेंसिल कैसे छीलनी है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइज आपने देखा कि मैंने पेंसिल को कैसे शार्प किया है। यूजुअली सारे लोग ऐसे ही शार्प करते हैं। आई होप मेरे शार्प करने का टेक्निक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए जब आप भी शार्प करें तो ऐसे ही अपने पेंसिल को शार्प करें और लंबा एकदम नोखीला करें। ये आपके मैंने जैसे मैंने बार बार कह रही हूँ आपके स्टिल लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट है जितना आप शार्प अच्छे से करोगे। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।